के बाद आप सभी का पुनः स्वागत। माँ का ये रूप सभी सिद्धियों को देने वाला है और साथ साथ आपके जीवन से अकारण भय से मुक्ति दिलाने वाला है। तो चलिए चलते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा जी के पास और उनसे जानते हैं माँ कालरात्रि से जुड़े कुछ और उपाय। नमस्कार, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं नवरात्र में देवी कृपा प्राप्त करने के कुछ सरल प्रयोगों के बारे में। शक्ति प्राप्ति के लिए देवी आराधना की सुगमता के कारण माँ की करुणा दया स्नेह का भाव किसी भी भक्त पर सहजी हो जाता है। यह कभी भी अपने बच्चों यानी भक्तों को किसी भी तरह से अक्षम या दुखी नहीं देख सकती। उनका आशीर्वाद भी इस तरह मिलता है जिससे साधक को किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता पड़ती ही नहीं, वह स्वयं सर्वशक्तिमान हो जाता है। माता की प्रसन्नता के लिए कभी भी उपासना की जा सकती है क्योंकि शास्त्राज्ञा में चंडी हवन के लिए किसी भी मुहूर्त की अनिवार्यता नहीं है। नवरात्रि में इस आराधना का विशेष महात्म होता है। इस समय के तप का फल कई गुना व शीघ्र मिलता है। इस फल के कारण ही इसे कामदूधा काल भी कहा जाता है। देवी या देवता की प्रसन्नता के लिए पंचांग साधन का प्रयोग करना चाहिए। पंचांग साधन में पटल, पद्धति, कवच, सहस्रनाम और स्रोत है। पटल को शरीर, पद्धति को सिर, कवच को नेत्र, सहस्रनाम को मुख तथा स्रोत को जीवा कहा जाता है। इन सब की साधना से साधक स्वयं देवतुल्य हो जाता है। सहस्रनाम में देवी के 1000 नामों की सूची दी जाती है। इसमें उनके गुण हैं व उनके कार्य के अनुसार उनको नाम दिए गए हैं। सहस्रनाम के पाठ करने का फल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन नामों से हवन करने का भी विधान हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। इसके अंतर्गत नाम के पश्चात नमः लगा करके स्वाहा लगाया जाता है। हवन की सामग्री के अनुसार उस फल की प्राप्ति होती है। सर्व कल्याण व कामना पूर्ति हेतु इन नामों से अर्चन करने का प्रयोग भी अत्यधिक प्रभावशाली बताया जाता है, जिसे सहस्त्रार्चन का नाम दिया जाता है। सहस्त्रार्चन के लिए देवी के सहस्त्र नामावली, जो कि बाजार में, पूजा पाठ की दुकानों में, पुस्तकों की दुकानों में बहुत आसानी से उपलब्ध है, उसकी आवश्यकता पड़ती है, तो आप पूजा की दुकानों में जाइए या जहां धार्मिक पुस्तकें मिलती हैं जाकर के आप उनसे बोल दीजिए कि दुर्गा सहस्त्र नामावली आपको दे दें, तो दुर्गा के 1000 नामों की जो सूची होती है, जो नामावली है, वह पुस्तक वो आपको दे देंगे। इस नामावली के एक एक नाम का उच्चारण करके देवी की प्रतिमा पर, उनके चित्र पर या देवी के दुर्गा यंत्र पर या फिर देवी का आवाहन किसी सुपारी पर करके प्रत्येक नाम के उच्चारण के पश्चात नमः बोल करके भी देवी की प्रिय वस्तु को अर्पित करना चाहिए यानी चढ़ाना चाहिए। जिस वस्तु से अर्चन करना हो वह शुद्ध, पवित्र, दोष रहित हो और 1000 की संख्या में होनी चाहिए क्योंकि सहस्त्र का अर्थ होता है 1000। तो जब आप सहस्त्रार्चन करेंगे यानी देवी भगवती के 1000 नामों से उनकी अर्चना करना। अर्चन में बिल्व पत्र, हल्दी, केसर या कुमकुम से रंगे हुए चावल, इलायची, लौंग, मेवे में काजू, पिस्ता, बादाम, गुलाब के पुष्प की पंखुड़ियाँ, मोगरे के फूल, चिरौंजी जिसे आम बोलचाल की भाषा में चारौली भी कहते हैं, किशमिश, सिक्का यानी 1-2 रुपए का सिक्का, जैसे भी आपके सामर्थ्य हो आदि का प्रयोग करना, यह शुभ होता है और देवी को प्रिय भी होता है। यदि अर्चन 1 से अधिक व्यक्ति एक साथ करें तो नामों का उच्चारण कोई एक व्यक्ति करे तथा अन्य व्यक्तियों को नमः का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। अर्चन की सामग्री प्रत्येक नाम के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को अर्पित करना चाहिए। अर्चन के पूर्व पुष्प, धूप, दीपक से नैवेद्य आपको भोग अर्पित करना है। दीपक इस तरह होना चाहिए कि पूरी अर्चन प्रक्रिया तक वह प्रज्वलित होता रहे। अर्चनकर्ता को स्नानादि से शुद्ध होकर के, धुले स्वच्छ वस्त्र धारण करके, मौन रह करके अर्चन करना चाहिए। मौन रहने से तात्पर्य यहाँ ये नहीं है कि आप मंत्र का जाप नहीं करेंगे। मौन रहने से कई लोग ये अर्थ लगा लेते हैं, इसका अर्थ ये समझ लेते हैं कि जब हम मौन रहेंगे तो मंत्र का उच्चारण कैसे करेंगे। मौन रहने से तात्पर्य यहाँ ये है कि आप व्यर्थ की बातचीत, हंसी मजाक ना करें, आप शांत रहें, पूरा मन देवी भगवती की साधना में लगाएं। इस साधना काल में आसन पर बैठना चाहिए तथा पूर्ण होने के पूर्व उसका त्याग किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। अर्चन का उपयोग में प्रयुक्त होने वाली जो सामग्री है, अर्चन के उपरांत किसी साधक को
किसी ब्राह्मण को या फिर किसी मंदिर में दान दे देना चाहिए। कुमकुम से भी अर्चन किए जाते हैं। इसमें नमः के पश्चात बहुत थोड़ा सा कुमकुम देवी पर अनामिका, मध्यमा और अंगूठे के उपयोग करके चुटकी से चढ़ाना चाहिए। बाद में उस कुमकुम को स्वयं आप अपने पास रख सकते हैं या अपने परिजनों को, मित्रों को, भक्तों को तिलक के स्वरूप में, प्रसाद के रूप में तिलक के लिए आप बांट सकते हैं, वितरित कर सकते हैं। सहस्त्रार्चन नवरात्र काल में एक बार कम से कम अवश्य करना चाहिए। इस अर्चन में आपकी आराध्य देवी की अर्चना बहुत अधिक लाभकारी होती है। अर्चन प्रयोग बहुत प्रभावशाली, सात्विक व सिद्धिदायक होने से इसे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। ये तो बात रही देवी की आराधना की, अर्चन की, इस अर्चन की प्रक्रिया को कैसे करना चाहिए, ये मैंने आपको जानकारी दी। अब बारी है, जान लेते हैं नवरात्र की सप्तम तिथि में माता कालरात्रि की पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए। माँ दुर्गा जी की सातवीं शक्ति का नाम कालरात्रि है, हम इन्हें कालरात्रि माता के नाम से जानते हैं। अपने महाविनाशक गुणों से शत्रु एवं दुष्ट लोगों का संहार करने वाली सातवीं दुर्गा का नाम कालरात्रि है। आकृति और सांसारिक स्वरूप में यह कालिका का अवतार यानी काले रंग के रूप की अपने विशाल केश राशि को फैला करके चार भुजाओं वाली दुर्गा हैं, जो वर्ण और वेश में अर्धनारीश्वर शिव के तांडव की मुद्रा में नजर आती हैं। इनकी आंखों से अग्नि की वर्षा होती है, एक हाथ से शत्रुओं की गर्दन पकड़ करके, दूसरे हाथ में खड्ग तलवार से युद्ध स्थल में उनका नाश करने वाली कालरात्रि सचमुच ही अपने विकट रूप में दृष्टिगोचर होती हैं। इनकी सवारी गंधर्व यानी गधा है, जो समस्त जीव जंतुओं से में सबसे अधिक परिश्रमी और निर्भय होकर के अपनी अधिष्ठाती देवी कालरात्रि को लेकर के इस संसार में विचरण कर रहा है। अपने भक्तों पर इनकी असीम कृपा रहती है और उन्हें वह हर तरफ से रक्षा प्रदान करती हैं। भक्तों द्वारा इनकी पूजा के उपरांत उसके सभी दुख संताप भगवती की कृपा से दूर हो जाते हैं। दुश्मनों का नाश करती हैं तथा मनोवांछित फल प्रदान कर उपासक को संतुष्ट करती हैं और सप्तमी तिथि से ही समस्त दुर्गा पंडालों में माता देवी दुर्गा की मूर्ति की स्थापना होने लगती है, प्रतिष्ठा स्थापना की जाती है। माता को सप्तमी तिथि में कालरात्रि देवी को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाने से यानी गुड़ का भोग लगाने से और उस भोग को बाद में किसी ब्राह्मण को दान कर देने से शोक से मुक्ति मिलती है एवं आकस्मिक आने वाले संकटों से भी रक्षा होती है। नवरात्र की जो सप्तमी तिथि होती है ये विशेष उपायों के लिए ये भी बहुत कारगर मानी जाती है। तो आइए आज जानते हैं कि सप्तमी तिथि में किस प्रकार से आप कौन से उपाय करते हैं। तो आपको सबसे पहला जो उपाय बता रहा हूँ वो हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए इस उपाय को करना चाहिए। आपको करना यह है कि मिट्टी को और घी को पानी में सान करके एक समान एक बराबर 9 गोलियां मिट्टी से बना लें। इन गोलियों को छाया में सुखा लीजिए, इसको धूप में नहीं सुखाना है, किसी छाए में रख करके, छाया में, शेड में रख करके आप इन्हें सुखाइए। इन गोलियों को पीले सिंदूर की एक कटोरी में भर करके देवी के समक्ष आप अर्पित कर दीजिए। नवमी के दिन इन गोलियों को नदी में आप ले जा करके प्रवाहित कर दें यानी नदी में बहा दें और सिंदूर को संभाल करके रख लीजिए। किसी भी जरूरी काम पर, जरूरी मीटिंग में जाएं, कोई बहुत बड़ी डील करने जा रहे हों, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हों या परिवार में कोई व्यक्ति किसी एग्जाम में जा रहा हो तो इस सिंदूर से तिलक करके जाए, टीका लगा करके जाए, सफलता निश्चित मिलेगी, भगवती आपका कल्याण करेंगी। अब जो उपाय बताता हूँ ये उपाय गृह क्लेश निवारण के लिए यानी अगर घर में लगातार लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसके लिए इस उपाय को करना चाहिए। लकड़ी की चौकी एक बिछा लीजिए, उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछाएं। चौकी पर 5 अलग अलग दोनों में अलग अलग मिठाइयाँ आपको रखनी है। प्रत्येक दोनों में 5 लौंग, 5 इलायची और 1 नींबू रखना है। धूप, दीप, पुष्प, अक्षत अर्पित करने के उपरांत एक माला ओम ऐं ग्लीं क्लीं चामुंडाई विच्चै ओम कात्यायनी देव्यै नमः, इस मंत्र की आपको एक माला यानी 108 बार जाप करना है और एक माला शनि के पत्नी के नाम की आपको स्तुति करनी है। तत्पश्चात समस्त सामग्री किसी पीपल के वृक्ष के नीचे चुपचाप आपको रख करके चले आना है।
बहुत जरूरी है। गृह प्रवेश से पहले आप हाथ पांव अवश्य धो लें। जब तक आप हाथ पांव धोकर के घर में प्रवेश नहीं करेंगे, घर की जो स्थिति है वैसे ही रहेगी। तो घर में आने से पहले हाथ पांव धोकर के प्रवेश करिए। इस उपाय को सिर्फ एक बार कर लेना है नवरात्र में। इस उपाय को करने के बाद आप स्वयं अनुभव करेंगे कि परिवार में जितने भी वाद विवाद की स्थिति थी, जितना लड़ाई झगड़ा बना रहता था, वह सब समाप्त हो गया है। तो इस प्रकार से आप इस उपाय को करें और अपने जीवन को सुखी, सफल और समृद्ध बनाएं। और मुझे अभी आज्ञा दीजिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। माँ के हर रूप की महिमा निराली है और हर रूप आपको सदैव आशीर्वाद देता है, यदि आप मन, वचन और कर्म से माँ की पूजा उपासना करते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। कल फिर ठीक इसी जगह इसी समय आपसे होगी मुलाकात माँ के 8वें स्वरूप के साथ। नमस्कार। धर्म चक्र।